नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको एक बहुत ही दिव्य वृक्ष से अवगत करा देता हूँ। इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। राजस्थान में यह बड़ा माननीय, बड़ा पूजनीय वृक्ष है और इसके ये अब फल आ गए हैं, फलित अवस्था में है। इस तरह से इसका फल होता है। ये देख लीजिए, इसका ये फल है, ये फल है, ये पूरे इसके फल लगे हुए हैं। देखिए, ये नीचे भी बहुत पड़े हुए हैं इसके फल, ये पूरे इसके नीचे पड़े हुए। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये फूल के बाद अब ये फल आ गया है इसमें। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा, बढ़िया, खूबसूरत सफ़ेद फूल खिलता है जो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। पत्तियां मैं आपको अवगत करा देता हूँ। ये देखिए पत्तियां इसकी, इसकी पत्ती छोटी होती है, बिल्कुल सेमल की जैसी पत्ती इसकी होती है और छोटी होती है इसकी पत्ती। ये देखिए, इसको ठीक से देखिए, ये इसमें 3 और 2 5 पत्तियाँ हैं, बिल्कुल सेमल के जैसी पत्तियाँ हैं। नई पत्ती अभी आ रही है। ये है फल इसके, ये जो फल लगे हुए हैं पूरे। और इसमें जब ये, इसमें बड़ी खासियत है, ये देखिए, ये पूरे इसके जो फल लगे हुए हैं, ये पूरे फल है। और यही फल इसके जब बाद में बड़े हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कबीट के जैसा इसमें फल आता है। ये है इसके फल। ये देखिए मित्र, तो इसका ट्रंक जो नीचे का भाग है, इसको ट्रंक बोलते हैं, कितना मोटा है। इसको कल्प वृक्ष इसलिए भी बोलते हैं कि ऐसा कहते हैं कि पार्वती ने इसके नीचे बैठ के तपस्या की थी तो भोलेनाथ की प्राप्ति उनको हुई थी। तो इसके नीचे अगर बैठ के आदमी कल्पना करता है तो वो कल्पना पूर्ण होती है। ये नीचे से अंदर से ये पोला होता है। ये देखिए, नीचे से ये अंदर से इस तरह से ये अंदर बिल्कुल पोला रहेगा, इसमें ऐसे छेद रहते हैं ऐसा। ये देखिए, ये सड़न देख रहे हैं आप, इसमें इस तरह से ये पोला रहता है। तो ऐसा मानते हैं कि बहुत पहले साधु संत इसके अंदर गुफा बना के रहते थे और ये काफ़ी ठंडा पेड़ है, तो उनकी पूजा पाठ या उनका यज्ञ या जो भी वो करते थे, वो तप तपस्या, तो वो पूर्ण हो जाती थी। इसका पूरा आकार जो है एक पिरामिड के जैसा हो जाता है। ये पूरा ऊपर से ऐसा गोल, पूरा ऊपर से ऐसा बड़ा गोल, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होता है ये। इसी के जैसा एक और पेड़ होता है जिसको गोरख इमली बोलते हैं। वो मांडू रोड पर है, धार से मांडू रोड पर गोरख इमली है। वो एक अलग पेड़ है, उसका फल, उसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं और उसमें फल बिल्कुल गोरख इमली के जैसा होता है, इमली के ही जैसा होता है पर बड़ा होता है, उसको गोरख इमली बोलते हैं। ये है कल्प वृक्ष, ये अलग है, वो अलग है। ऐसा बोलते हैं कि राजा भोज के शासनकाल में ये, क्योंकि इंदौर के पास ही रेसिडेंसी कोठी के पास लगा हुआ है, तो राजा भोज के द्वारा ये लगवाए गए थे, क्योंकि वो बड़े पूजा पाठी और तपस्वी व्यक्ति थे और तंत्र मंत्र में और उनका योग ध्यान में बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने ये पेड़ लगवाए। और इसी प्रकार से जो गोरख इमली का पेड़ है वो मांडू रोड पे लगा है, क्योंकि राजा भोज का शासनकाल भोपाल से लगा के उधर धार और उसके आगे मांडू तक रहा है। तो रोड के दोनों तरफ बिल्कुल पेड़ एक जैसा दिखेगा आपको, मगर फलों में अंतर है और इसके जो दिव्य गुण है उसमें अंतर है। गोरख इमली का जो फल होता है वो कीमियागिर के काम में आता है, तो हो सकता है उन्होंने उसके लिए लगाया हो, परंतु ये पेड़ पूरा आध्यात्मिक है। इसके नीचे बैठ के कल्पना करने से, कल्पनाएं हमारी जो भी इच्छा हो या जो कल्पना हो वो पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता प्राप्त है। और ये बड़ा राजस्थान में बड़ा पूजनीय माना जाता है। और एक पेड़ उधर भोपाल के पास भी लगा हुआ है, वहाँ सिंध हनुमान के पास लगा हुआ, वहाँ बड़ा उसको पूजा पाठ और बड़ा मान्यता प्राप्त है। उसकी दिव्यता के बारे में बड़ी दूर दूर तक चर्चा है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि इसमें फल बहुत कम आता है। इतने सारे लगे हैं, सब देखिए ज़मीन में ऐसे झड़ जाते हैं, ये सब ऐसे गिर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से एक आध या कोई दो एक फल बड़ी मुश्किल से इसमें लग पाते हैं। इस फलों के बीच में एक सफ़ेद रंग का पाउडर, हल्का सा गुलाबी पाउडर निकलता है जो पेट रोग के बहुत अच्छा काम में आता है। आयुर्वेद में इसका
ज़्यादा विवरण आपको नहीं मिलेगा, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से या तांत्रिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक दो फल जो बड़े हो गए हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इतने बड़े झाड़ में, झाड़ बहुत बड़ा है, क्राउन बहुत बड़ा, पर मुश्किल से ये दो तीन इस तरह के फल इसमें बड़ी मुश्किल से लग पाते हैं। ये फल है, अब ये बड़े होगा, अब ये नहीं गिरे इस तरह से, बस ये इतने बड़े झाड़ में तीन ही फल हैं। और ये ऊपर एक जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग का पुष्प था, ये जो सफ़ेद रंग का पुष्प था जो अब फल में बदलने लगा है। तो यहाँ पर मुझे मित्रों ये दिव्य विकल्प वृक्ष दिखा, तो मैंने आपको इससे अवगत करा दिया। साधु संतों का बड़ा प्रिय वृक्ष है और राजस्थान में बड़ी इसकी धार्मिक आस्था है। इसको ठीक से देख ले, पहचान ले। अब इसके नीचे कल्पना पूर्ण होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है ज़्यादा, मगर पूजनीय दृष्टि से तो है ही है। और इसकी लोग ऐसा कहते हैं कि इसके नीचे बैठ के जो भी हम कल्पना करें वो पूर्ण होती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको दिव्य कल्प वृक्ष से अवगत करा दिया। मैं दूर से दिखा देता हूँ इसको, दूर से देख लें इस तरह से, ये बहुत विशाल वृक्ष होता है, कई वर्षों पुराना पेड़ होगा ये मेरे ख्याल से, बहुत बहुत मोटा और बहुत बड़ा पेड़ है। इसकी मोटाई से ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये कितना पुराना पेड़ होगा और किसने लगाया है। इसके बारे में कोई हमारा इतिहास में कोई लिखित नहीं है, ना ही इसका आयुर्वेद में ज़्यादा विवरण है, परंतु तंत्र मंत्र में इसका विवरण कहीं कहीं मिल जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से, मेरे को ये कल्प वृक्ष दिखा तो मैंने अवगत करा दिया। गोरख इमली अलग है और कल्प वृक्ष अलग है। नमस्कार मित्रों।